आज मैं अपने दोस्त से कर रहा हूँ मुर्तजा, ये मेरा दोस्त है मुर्तजा और इसने अपनी छत पे बहुत सारे मुर्गा मुर्गी रखे हैं, तो देखते हैं उससे पूछते हैं क्या खिलाता है, कैसे रखे हुए, कितने प्यारे हैं सब देख। तो सबसे पहले हमें कौन सी आपको दिखा रहे हैं ब्रीड? सबसे पहले मैं आपको ये ब्रीड दिखा रहा हूँ, इसमें एक गेनी फीमेल है और एक सिंधी नस्ल है। तो ये मुर्गे की आंखों क्या हो गया, लड़ाई में ये काना हो गया, इसकी एक आंख जाया हो गई। तो कैसे लड़ाई में? लड़ाई में। गेनी क्या मुर्गा या मुर्गी गेनी? गेनी मुर्गी है और मुर्गा सिंधी है। सिंधी मुर्गा? हाँ। इसके साथ में एक गेना मुर्गा भी था, लेकिन उसने इसी को ही मारा था, मतलब लड़ाई हो गई थी। लड़ाई हो गई थी तो वो मर गया, बच गया। तो ये माशाल्लाह इतने हेल्दी है, क्या खिलाते हैं, क्या करते हैं? बस अभी हम लोग उनको गुड़ खिलाते हैं। अच्छा, गुड़ खिलाते हैं, पिस्ता बादाम खिलाते हैं। तो मैंने भी हफ्ते हफ्ते में हम लोग इनको रोटी खिलाते हैं और बाजरा वगैरह कम खिलाते हैं। बाजरा आम खिलाते हैं और मिक्स मिक्स भी खिलाते हैं कभी 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 आम भी। इनको बाहर निकाल के जरा कैमरे में ठीक से दिखाओ। खाता हूँ। तो फाइनली हमने इनको बहुत मुश्किल से पकड़ लिया है। ये देखिए मेरे पास ये है गेनी मुर्गी। मुर्गा थोड़ा जोर से बोलो। इसकी आप आँख देखें तो इस नस्ल को गेनी क्यों कहते हैं? इसके छोटे कद की वजह से? छोटे कद होते हैं और इनके छोटे अंडे भी होते हैं। ये देखें, अंडे भी छोटे और इसकी खुश नली है, ये देखें। तो आपके पास इन्होंने कोई एग वगैरह कुछ दिया है? जी दिया था, लेकिन ये आजकल बहुत ही खराब हो गई है, अंडे वंडे खा रही है। देखिए आप, मैं आपको दिखा सकता हूँ, सर्दी भी लगी हुई है इधर। ये बहुत अंडे खा रही है और बेचारे अपने पर खा रहे हैं जी, अपने पर खा रहे हैं। ये मुर्गी को मोशन लगे हुए? क्या मोशन ही लगे हुए? आजकल बस इससे सर्दी की वजह से। तो इसकी जो आँख नहीं है, एक जाया है, वो लड़ाई में गई है? जी लड़ाई में गई है। ये आप देख सकते हैं, इस मुर्गी का जो मेल था ना, उसने इससे लड़ाई की थी, वो नहीं बचा, खाली ये बच गया था। तो क्या ये फुल साइज है, एडल्ट है या छोटा है? अभी छोटा ही है। अच्छा, अभी कितने महीने? अभी ये 9 महीने। तो माशाल्लाह अभी फुल बड़ा कितने महीने में हो जाएगा? ये फुल बड़ा अभी मेरे पास दो साल लगेंगे तकरीबन, एक साल इतने मतलब लग जाएंगे। सही है, बस अगली ब्रीड देखते हैं इनको। देखें फुल लड़ाकू, इसके पंजे देख रहे हैं आप? पंजे देखें और उसका कांटा देखें। कांटा, हाँ माशाल्लाह कांटा ही बहुत बड़ा है। ये वाला देखो, बहुत नोकीले हैं, मुझे भी मार रहा है। उई, और ये सिंध का जाव है। तो ये सिंध जाव। तो आप देखते हैं, सब पूछते हैं अगली ब्रीड हमें कौन सी दिखा रहे हैं। तो मेल है, वो जाव है, प्योर जाव है और अभी बच्चा है। और इसकी दुम जो है अभी निकल रही है, इसके पर निकल रहा, अभी नई दुम आने वाली है। और जो मुर्गी जो है, ये मियाँ वाली से मंगाई थी और अभी आपको दिखाते हैं। तो अभी इनको आपको पकड़ के दिखाते हैं, तो आए पकड़ते हैं। तो फाइनली बहुत मुश्किल से पकड़ा है, पूरा कर दिया इन्होंने मेरा। बहुत भागते हैं, बहुत जानदार है माशाल्लाह। इन्फॉर्मेशन लेते हैं, अपनी मुर्गी दिखाता हूँ। देखिए इसके पाँव देखें, कटी हुई है क्या? काटी है जिसके पास दुम अभी आ रही है। उसकी आंखें देखें, माशाल्लाह ये मुर्गा बहुत भारी है। अच्छा, इसमें ब्राउन कलर भी आया है, देखिए हल्का हल्का ब्राउन का शेड भी आया। ब्राउन कलर ये ऐसे ही आया, लेकिन अभी निकल जाएगा, बाकी ये पूरा वाइट जाव आई है। और ये भी अभी साल का तकरीबन होने वाला है, ये बच्चा है, ये पट है। हाँ, ये जरा उसके पंजे की वजह से पता चल रहा है, कांटा भी देखिए बहुत छोटा है। और उसके पंजे देखें, पंजे दिखाओ, पंजे देखें कैसे मुड़े हैं। इसका मतलब ये फुल लड़ाकू है, अभी बच्चा है। और इसकी आंखें देखें, आंखें देखें, आंखें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। और इसको भी क्या वही बीमारी है, वो पर खाने वाली? हाँ, इसको अभी इसके पास अभी आ रहे हैं, अभी खा नहीं रहे, अभी आ रहे हैं इसके पास। इसके देखिए अभी आ रहे हैं। हाँ, अभी आ रहे हैं। तो इसने भी आपके पास कोई एग नहीं दिया? हाँ, इसने दिया, एग दिया, ब्रीडिंग भी कराई है, लेकिन मैंने अपने इसके बच्चे सेल आउट किया। माशाल्लाह ये वाला तो बहुत ही मुझे प्यारा लगा, पिछले वाले से भी प्यारा लगा। अब आपके पास कौन से दो रह गई ना? दो पेयर रह गए आज का, वो दो पेयर दिखाते हैं, उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। पहले दो पेयर देख के जाइएगा। तो अभी हम आपको ब्रीड दिखाने वाले हैं, इसमें ये मुर्गी है, माशाल्लाह से साइज देखा, या सी मुर्गी है। और अभी ये 9 महीने की है, बच्ची है अभी। इसके साइज देखें आप, साइज देखें, और इसका ये आँखें देखें, पैर दिखाओ,
मुर्गी को और इसका कांटा भी आने वाला है, मुर्गी के अंदर कांटा आने वाला है देखें। और अभी मैं इसको तकरीबन ना प्याज ही खिलाता रहता हूँ, 2-3 महीने से प्याज ही खिला रहा हूँ। और पीछे हो जाओ, और क्या नाम है, बादाम वगैरह कम कम खिलाता हूँ वरना ये पेट में ना बीमारी हो जाती है। इसकी मुर्गी का तारुफ करा दूँ ज़रा। माशाल्लाह इसका मुर्गा भी बड़ा प्यारा है। ये कौन सी नस्ल का मुर्गा है? ये सिंसुल हमारे सिंधी नस्ल है। लिटरली मेरे हाथ दुख गए इसको पकड़ के, बहुत भारी मुर्गा है माशाल्लाह। इसे पैर दिखाओ, ये लड़ाका मुर्गा है, ये बहुत लड़ाकू है। और ये इसका पंजा माशाल्लाह, इसका पंजा ही बहुत नोकीला है। पंजा इसका कांटा होता है ना? जी कांटा, कांटा भी इसका बहुत नोकीला है। इसकी आँख देखो, ये बहुत मारता है, मुझे ही बहुत मारता है जब खाना देता हूँ तो बहुत मारता है। अभी तो आपको बता नहीं सकता मैंने इसको कितनी मुश्किल से पकड़ा है, हम दोनों ने मिलके बहुत मुश्किल से हमने इसको पकड़ा है। इसका साइज भी माशाल्लाह सबसे बड़ा और प्योर भी बहुत है, बहुत प्यारा। और लेकिन मैं बस ये बताना चाहूँगा कि अपने मुर्गियों को, मुर्गा मुर्गियों को ना मतलब दोनों गिजा दिया करें, सारी गिजा दिया करें, जैसे कि प्याज हो गया, गुड़ हो गया, गुड़ भी, गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत जानदार है। और कुछ लोग कहते हैं गुड़ का पानी, तो पानी गुड़ का पानी बेकार है, खाली गुड़ को पीस के ना उसको आप दे दें तो यही खाएंगे गुड़। हाँ गुड़, गुड़ खाएंगे। बादाम, बादाम कम देना है, बादाम ज़्यादा नहीं देना, बादाम बहुत हैवी होता है। लेकिन बाजरा, बाजरा कम देना, सर्दियों में दे दें, सर्दियों में क्योंकि बाजरा गर्म होता है इसलिए वो गर्म रहता है जानवरों को, तो सर्दियों में दे दें। लेकिन गर्मियों में कम दिया करें, वो और भी बहुत सारी गिजाएँ वो दिया। जैसे अभी सर्दियाँ चल रही है तो सर्दियों से इनको गर्म रखने के लिए क्या ड्राई फ्रूट्स क्या देते हैं? नहीं ड्राई फ्रूट्स तो कम देते हैं, बाजरा, बाजरा में रखें। और ड्राई फ्रूट्स खाते हैं वगैरह देना चाहिए? हाँ ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। वैसे एक बात बताऊँ, जितने लोग अच्छी से डरते हैं उनके लिए, जैसे अभी मैंने उसको पकड़ा हुआ ये रह गए, इतना माशाल्लाह बड़ा मुर्गा, इतना हैवी, इतना डर लग रहा है इसको देख के। और ये मार नहीं रहा, मार भी सकता है इसलिए ज़्यादा उंगलियाँ नहीं करते। ये पिंजरे में था, मैं बहुत गुस्सा दिखा रहा था, हमने इसको बाहर निकाला, कूंज में ले आके घेरा पकड़ लिया, अभी बिल्कुल मासूम हो गया, अभी कुछ नहीं कर रहा है। और ये आप मुर्गी देख रहे हैं, ये पूरे मतलब दुनिया में ना सबसे बड़ी मुर्गी है, ये देखें। अच्छा मतलब असील में ना सबसे बड़ी मुर्गी की नस्ल है ये, ये देखें सबसे बड़ी करके इसका वो दिखाएं क्या कहते हैं हाइट, ये तो मुर्गे की साफ की है, इसकी हाइट देख माशाल्लाह सबसे मतलब हैवी नस्ल, हैवी नस्ल, सबसे हैवी नस्ल और हाइट में बड़ी वैसी नस्ल है ये। ये एक दिन मेरे ताया लेकर आए थे, इसको हम नीचे रखा हुआ था पिंजरे में ना, तो मैंने पूछा अपने ताया से, पूछा ये मुर्गा है, मुर्गा है, मुर्गा है, मुर्गी है, मेरे ताया हंसा बोला कि मुर्गी है। चलो अब इसको भी बंद करते हैं, आपको एक और पेड़ दिखाते हैं। अभी तो हम लोग ने एक और पेड़ पकड़ लिया है, ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारा पेड़ है, तो उसके बारे में भी पूछते हैं मुर्तजा से। ये देखिए ये जो मुर्गी है ये असील है, इसकी पैर देखें तो ये असील नस्ल, असील है। हाँ अच्छा, इसके कांटा नहीं निकला हुआ, इससे कांटा ही निकला हुआ, इसका कांटा आई थिंक मेरे पास नहीं निकलेगा, कांटे वाली नहीं है इस वाली का कांटा। और उसका साइज देखें, इसका साइज देखें, अच्छा कलर देखें, ये कलर, ये कलर बहुत यूनिक है मुर्गियों में। उसकी आँखें देखें, छोटी सी माशाल्लाह प्यारी सी आँखें, इसकी आँखें होगी ये जावा मुर्गी है, मतलब असील में जावा है, जैसे असील में जावा मुर्गे होते हैं वैसे ही जावा मुर्गी है। और इसकी ये देखें, अब इस मुर्गी को दिखा लेते हैं। हाँ उसे इस मुर्गी को दिखाते हैं, इसके साथ एक और मुर्गी भी है, वो मुर्गी साथ आप इनको, आप इसको पकड़ें चला जाए। इसकी शाइनिंग देखें, आप मुर्गी की शाइनिंग देखें और उसका साइज देखें, सबसे बड़ा मुर्गा मेरा यही है, ये जावा है मेरे पास, ज़्यादातर सिंधी में सिंधी जावा है और जावा है मेरे पास। उसकी आँखें देखें, इसकी आँख को क्या हुआ है कुदरती? और इसकी ये जो आँख है ये वाली दिखाओ जरा, ये वाली तो ठीक है, ये वाली जो आँख है ये कुदरती है, ये वाली, हाँ ये वाली, मैं सॉरी मैं भूल गया, ये वाली आँख थोड़ा करीब लेके आओ, ये जो आँख है कुदरती है इसकी, अल्लाह ताला ने इसको ऐसी आँख दी हुई और ये वाली ठीक दिखता है। हाँ दिखता सही, और ये मुझे नहीं पता इसका, मैं टॉप कुछ नहीं आया। उसके पैर देखें, फुल लड़ाकू मुर्गा है, और कांटा भी देखें इसका, इसका कांटा है, ये वाले पाँव का पैर का थोड़ा छोटा है और ये वाला पैर का थोड़ा मतलब बड़ा है। अभी ये और बड़ा होगा, ये मेरे खाता तकरीबन 6-7 महीने का ये, तो अभी इसकी एक और मुर्गी दिखाता हूँ, तो ये पकड़ देखने। और उसके साथ एक और मुर्गी भी है, वो भी दिखाता हूँ मैं, तीन एक साथ ही पले हैं और एक साथ ही प्यार मिल गया, मतलब तीन का प्यार मिल गया। तो ये कौन सी नस्ल है? ये भी जावा है, और इसकी नस्ल के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, मतलब इतना मुझे इसकी नस्ल के बारे में, खाली मैं असील का बताऊँ। ये देखें इसकी आंख देखें,
इसकी आंख ये। वैसे तो मैंने सुना है और देखा भी है, मेरे पास भी है जी। मैंने वैसे सुना भी है, देखा भी है जावा की तुम थोड़ी छोटी होती है, इसकी ज्यादा लंबी नहीं है तुम। ये बस नस्ल में कुदरती है, तो ये इसकी नस्ल में ही है। हाँ नस्ल में ही है। आप कैमरा करीब ला के देखिए, इसके अंदर ऐसे आपको लगेगा तेल लगा हुआ है, शाइनिंग के लिए तेल है, लेकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ सूखा है मेरा, मिट्टी लगी हुई। कुछ मैंगो ज्यादातर खिलाता हूँ, प्याज लहसुन वगैरह ना, मतलब गर्मियों में भी मैं इसको खिलाता हूँ प्याज लहसुन। और मेरा कल परसों मैं गुड़ दूंगा इनको, बस मैं यही देता रहता हूँ। मतलब ऐसे मैंने आपको बताया था गुड़ पिस्ता वगैरह और क्या नाम है लहसुन प्याज वगैरह, यही मैं इनको सबको देता रहता हूँ। माशाल्लाह इसकी पर में भी अच्छी खासी ब्यूटी है, पर में डिफरेंट कलर, ब्लैक कलर है ये, जेट ब्लैक है। जेट ब्लैक, और धूप में शाइन भी आई होगी ना शायद। तो गुड़ इसको रोज खिलानी है 3 दिन बाद, कितने नहीं आपको आपकी मर्जी, मतलब 2 हफ्ते में 2 हफ्ते खिलाएं, 3 हफ्ते खिला दें, मतलब खिला दें। इससे बहुत ज़्यादा बन गई, जैसे आपने देखा मेरी मुर्गी कितने माशाल्लाह से कितने हेल्दी है। हाँ माशाल्लाह आपकी मुर्गी तो सारी हेल्दी है। मैंने इनको यही किया जा रहा है, गुड़ खिलाते थे जैसे एक दिन मनाना गुड़ का, या जब दिल चाहे जिस टाइम पर खिला दिया। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक कि मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।